गुड मॉर्निंग एवरीवन। हिंदी में हम चैप्टर 8 के ऊपर आए हैं, अशोक का शस्त्र त्याग। बच्चों आपको पता ही है कि हर चैप्टर में हम लोग क्या करते हैं कि जो पाठ का जो प्रकार है वो हम बाजू में लिखते हैं। तो अभी आपको भी लिखना है पाठ का प्रकार जो है ऐतिहासिक एकांकी, ओके। और पाठ के लेखक का नाम है बंसीधर श्रीवास्तव, बंसीधर श्रीवास्तव, ओके। आपको ये दोनों बातें याद रखना है कि भाई प्रकार क्या है ऐतिहासिक एकांकी और जो राइटर का नेम है वो बंसीधर श्रीवास्तव। तो अशोक राजा के ऊपर पूरा लेसन बनाया गया है कि अशोक राजा जो है वो बहुत ही शक्तिशाली थे और उनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही थी, बराबर। वो बहुत ही शक्तिशाली राजा थे, अशोक राजा के सामने कोई भी राजा टिक नहीं पाता था, बराबर। सामने वाला राजा खुद ही वो मान लेता था कि भाई मैं अशोक राजा के सामने जीत नहीं सकूंगा, मेरी हार निश्चित है, सॉरी। तो ऐसा महान राजा अशोक जो है उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है, वो शस्त्र का त्याग कर देता है। तो ऐसा क्या हुआ होगा अशोक राजा के साथ, वो हम आज हम देखने वाले हैं। तो पहले पाठ का परिचय लिया है, अशोक एक साहसी एवं निर्भीक सम्राट के रूप में जाने जाते हैं। तो आपको अंडरलाइन करना है कि साहसी और निर्भीक। अशोक राजा बहुत ही साहसी थे और निर्भीक थे, किसी से भी डरते नहीं थे। राजकुमारी पद्मा की निर्भीकता से उनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो राजकुमारी पद्मा के नीचे आपको अंडरलाइन करना है। प्रस्तुत एकांकी अहिंसा का महत्व समझाती है और मातृभूमि की रक्षा के लिए प्राण उत्सर्ग करने की प्रेरणा भी देती है। पहला दृश्य हमें दिया है, एक मैदान में मगध के सैनिकों के तंबू लगे हैं। तो आपको अंडरलाइन करना है कि मगध, तो मगध एक राज्य है और कलिंग वो भी दूसरा राज्य, दो राज्य के बीच में यहाँ पे युद्ध होने वाला है और उसके बारे में हमें पूरा लेसन दिया है। बीच में मगध की पताका फहरा रही है, यानी उनका फ्लैग है। पताका के आसपास महाराज अशोक का तंबू है। संध्या बीत चुकी है, आकाश में तारे चमकने लगे हैं, तंबुओं में दीपक जल गए हैं। अपने तंबू में महाराज अशोक अकेले टहल रहे हैं। याद रखना, उनके मुख पर चिंता की छाया है, वे कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं। देखो बहुत बड़ा राजा है अशोक राजा, लेकिन फिर भी उनके दिमाग में कोई चिंता खा रही है, बराबर। क्या चिंता है वो भी हम देखते हैं। अभी शाम का समय है, तारे भी दिखने लग गए हैं। तो उस टाइम पे जो रणभूमि है वहां पे तंबू लगे हुए हैं और राजा अशोक अपने ही तंबू में वो ऐसे चक्कर काट रहे हैं। अशोक बोलते हैं स्वतः, यानी कि वो खुद से बोलते हैं कि आज 4 साल से, आपको अंडरलाइन करना है यहाँ पे, 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। कलिंग के नीचे भी आपको अंडरलाइन करना है, एक कलिंग राज्य के ऊपर चढ़ाई करने के लिए अशोक राजा युद्ध कर रहे हैं, लेकिन वो जीत नहीं पा रहे हैं 4 साल से। दोनों ओर के लाखों आदमी मारे गए हैं, लाखों आदमी के नीचे अंडरलाइन करना है आपको। लाखों घायल हुए हैं, तो लाखों घायल के नीचे भी अंडरलाइन करना है। पर हम आज भी असफल हैं, क्या होगा इसका परिणाम। तो अशोक राजा सोच रहे हैं कि 4 साल से आज युद्ध हो रहा है, फिर भी कलिंग पर हम जीत नहीं सके हैं। दोनों तरफ के लाखों सैनिक आदमी, यानी कि सैनिकों मारे गए हैं, लाखों से ज्यादा घायल हुए, लेकिन फिर भी हम लोग ने आज तक जीत नहीं हासिल की है। तो क्या होने वाला है, परिणाम क्या होगा। तो अशोक राजा यही वो खुद व खुद सोच रहे हैं। अभी जो द्वारपाल है वो सिर झुकाकर, राजन संवाददाता आपसे मिलने की आज्ञा चाहता है।
बाबा जो द्वारपाल जो गेट के ऊपर रहता है बराबर, वो राजा के पास आता है और बोलते हैं कि भाई संवाददाता जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं। अशोक बोल रहे हैं अशोक राजा के, भाई आने दो उसको, संवाददाता प्रवेश कर, महाराज अशोक की जय हो, शुभ समाचार है, गुप्तचर समाचार लाया है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे गए हैं। देखा अशोक के, अशोक राजा तो शक्तिशाली था ही, लेकिन उसकी उसका जो सैन्य था ना वो भी बहुत शक्तिशाली था। राजा के गए बिना, अशोक तो गया ही नहीं था, लेकिन उसके गए बिना ही उसके जो सैनिक ने सामने वाले राजा को मार दिया, बराबर कलिंग के राजा को मार दिया है। और ये गुप्तचर जो संवाददाता वो अभी भी संदेशा लाता है, अशोक प्रसन्नता पूर्वक मारे गए हैं तो मगध की विजय हुई है, कलिंग जीत लिया गया है। संवाददाता चुप है। अभी अशोक राजा तो खुश हो गए कि भाई कलिंग का राजा मारा गया है, अभी हम लोग ने कलिंग पे जो युद्ध है वो हमने जीत लिया है, तो राजा अशोक राजा तो खुश हो गया। लेकिन जो संवाददाता है वो भी चुप बैठा है, खड़ा है और वो राजा को देख रहा है। अशोक बोले, बोलते क्यों नहीं हो तुम, चुप क्यों हो? तो संवाददाता धीरे से बोलू क्या महाराज, कलिंग दुर्ग के द्वार आज भी बंद है, फिर किस मुंह से कहूं कि कलिंग जीत लिया गया है। देखा कलिंग राज्य का जो राजा है वो युद्ध में मारा गया है, फिर भी कलिंग राज्य का जो मेन गेट है, द्वार है, वो आज भी बंद है, बराबर, तो उसके अंदर कैसे जाएंगे? तो इसके लिए संवाददाता बहुत ही चिंता में है और वो राजा को बोल रहा है धीरे से आवाज में कि राजा भले ही हमने कलिंग के राजा को मार दिया लेकिन अब भी हमारी जीत तय नहीं है, क्योंकि कलिंग का जो द्वार है वो मेन द्वार बंद है। तो सब उत्तेजित होकर बोलते हैं कलिंग के द्वार आज भी बंद है। संवाददाता बोलते हैं हाँ महाराज, कलिंग के द्वार आज भी बंद है। अशोक खड़े होते हुए, बंद है तो खुल जाएंगे, जाओ जाकर सेनापति से कह दो कि कल से सेना का संचालन मैं स्वयं करूंगा, बराबर है कि सेना का संचालन कौन करता है, सेनापति करता है। लेकिन राजा के मर जाने के बाद भी अगर कलिंग का दरवाजा खुला नहीं है तो राजा गुस्से में आकर बोलता है कि भाई कल से सेना का संचालन मैं खुद करूंगा, कल या तो कलिंग के दूर के द्वार खुल जाएंगे या मगध की सेना ही वापस चली जाएगी, जाओ हाथ से जाने का संकेत करते हैं। यानी कि राजा जो है वो अभी संवाददाता को भेज देते हैं और बोलते हैं कि कल कलिंग के द्वार खुल जाएंगे, नहीं तो फिर हम लोग सेना लेके वापस अपने राज्य चले जाएंगे। अभी दूसरा दृश्य है, यानी कि सेकंड सीन है कि दूसरे दिन प्रातः काल का समय है, शस्त्र सज्जित अशोक घोड़े पर है, सामने कलिंग दुर्ग है जिसके द्वार बंद है। अभी यहाँ पे फर्स्ट सीन हमारा खत्म होता है, सॉरी जो भी दूसरा दृश्य है वो अभी शुरू हुआ है। तो उसमें क्या है कि भाई राजा जो है वो अभी सेना के साथ शस्त्रों के साथ तैयार हो गए हैं और सामने कलिंग का गेट है। ओके, देखते हैं क्या होता है। अशोक बोलते हैं मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है फिर भी हम इस कलिंग को जीत नहीं पाए हैं, उसके किसी भी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है, कलिंग के महाराज मारे गए हैं, उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं। तो बच्चों ये अशोक राजा क्या कह रहे हैं कि भाई आज हम लोग युद्ध करने वाले हैं, कलिंग के राजा भी नहीं है, राजा भी मारे गए और कलिंग के जो राज्य के सेनापति है वो भी मारे गए हैं। ओके, अभी जो सेनापति है वो पहले ही कैद हो चुके हैं, फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण कर नहीं कर रहा है, तो आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर प्रण करें कि या तो हम कलिंग के दुर्ग पर अधिकार कर लेंगे या सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएंगे। ठीक है, राजा अभी कुछ सेनापति बन गया है, राजा सबको बोल रहा है कि आप तो कुछ भी करके हमें यह युद्ध जीतना है या फिर हमें मर जाना है। अभी सब सैनिक तलवार खींचकर मगध की जय, महाराज की जय, सहसा दुर्ग का फाटक खुल जाता है, सब आश्चर्य से उधर देखने लगते हैं, उनकी तलवारें खींची
की खींची रह जाती है। शस्त्र सज्जित स्त्रियों की विशाल सेना फाटक के बाहर निकलने लगती है। सेना के आगे पुरुष वेश में एक वीरांगना है जो सैनिक के वेश में साथ साथ चंडी सी दिखाई देती है। यह कलिंग महाराज की पुत्री पद्मा है। स्त्रियों की सेना अशोक की सेना से कुछ दूरी पर रुक जाती है। अशोक के सिपाही मंत्रमुग्ध से देखते रह जाते हैं। अशोक भी चकित रह जाते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि अशोक ने और अशोक की सेना ने कभी सोचा ही नहीं था कि भाई हमारे साथ युद्ध करने के लिए स्त्रियों की सेना आएगी। अभी क्या हुआ है कि कलिंग के राजा मारे गए हैं। कलिंग के राज्य के जो सेना के सेनापति है वो कैद है। लाखों सैनिकों मारे गए हैं, लाखों सैनिकों घायल हुए हैं। तो अभी कोई जेंट्स में पुरुष में बचा ही नहीं है। अभी जो जितनी भी स्त्रियां हैं कलिंग राज्य की वो सारी इकट्ठा हो गई है। उन लोगों ने खुद का एक सैन्य बनाया है और वो सैन्य लेकर सारी स्त्रियां अशोक राजा के सामने युद्ध करने के लिए अभी आई है। अभी कलिंग राज्य की जो राजकुमारी है पद्मा वो बोलती है कि आगे बढ़कर अपनी सेना से कहती है, बहनों तुम वीर कन्या, वीर भगिनी, वीर माता और वीर पत्नी हो। बच्चों यह पैराग्राफ बहुत ही आईएमपीए एग्जाम के लिए कि भाई पद्मा ने सभी जो सैनिक स्त्रियां हैं उन लोगों को क्या कहा था। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है, जिस सेना ने तुम्हारे पिता, भाई, पुत्रों और पति की हत्या की है वह तुम्हारे सामने खड़ी है। आज उसी से तुम्हें लोहा लेना है। तुम प्रण करो कि जननी जन्मभूमि को पराधीन होते देखने से पहले तुम सदा के लिए अपनी आंखें बंद कर लोगी। अभी राजकुमारी सारी स्त्रियों को समझा रही है कि भाई सामने जो सेना खड़ी है ना उसी सेना ने आपके भाई, आपके पिता, आपके पुत्र उन लोगों को मारा है। तो हमें अभी बदला लेना है, या तो हम उन लोगों को मारेंगे या फिर खुद ही मर जाएंगे। अशोक बोलता है, स्वतः यह कौन है, क्या साक्षात दुर्गा कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध भूमि में उतर आई है। शेष सैनिक भी सभी स्त्रियां हैं, क्या स्त्रियों से भी युद्ध करना पड़ेगा, क्या अशोक को स्त्रियों का भी वध करना पड़ेगा। नाना मैं स्त्री वध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं चलाऊंगा, प्रकट स्त्रियों सैनिकों स्त्रियों पर हाथ न उठाना, आगे बढ़कर आप हैं, आप कौन है देवी। देखो अशोक राजा क्या बोल रहे हैं कि भाई सामने जो सेना है वो पूरी स्त्रियों की है, और पहले के जमाने में स्त्रियों को बहुत ही मान सम्मान मिलता था, अभी भी मिल रहा है, लेकिन अशोक राजा ने क्या कह दिया कि भाई मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करूंगा, स्त्रियों के ऊपर कोई भी हमला नहीं करेगा। सारे सैनिकों को अशोक राजा बोलते थे कि भाई हम लोग यहाँ पे युद्ध नहीं करेंगे और स्त्रियों के साथ कोई भी हम लोग स्त्रियों के ऊपर हमला नहीं करेंगे, हाथ नहीं उठाएंगे। तो बच्चों ये जो है अशोक वाला पैराग्राफ, तो यहाँ पे आज हम आज का पीरियड खत्म करते हैं और नेक्स्ट पीरियड में हम देखेंगे ये पद्मा से हम नेक्स्ट पीरियड में देखने वाले हैं। बच्चों आपका होमवर्क आप ध्यान से सुन लेना कि मूल्य, शब्दार्थ और मुहावरे, तो वो आपको नोटबुक में गुड राइटिंग से लिखने हैं और लर्न करने हैं। ओके, तो अभी मिलते हैं नेक्स्ट पीरियड में। टाटा बाय बाय, सी यू।